नमस्कार, मैं हूं नीरव पटेल और फाइनेंशियल हेल्पिंग हेन में आपका स्वागत है। ठीक पढ़ा आपने थंबनेल में, अगर आपको आपकी फैमिली से प्यार है तो आप कृपया करके ये वीडियो को आप आखिर तक देखिए। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आपके सेविंग को आप कैसे प्रोटेक्ट करते हो हेल्थ इंश्योरेंस लेके, तो ये वीडियो में आप आपकी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करते हो लाइफ इंश्योरेंस को लेके। अगर आप डिपेंडेंट हो तो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई डिपेंडेंट व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो तीन की मृत्यु गिनी जाती है। एक सन के लिए वो एक फादर था, एक फादर के लिए वो एक सन था, ये दोनों का तो रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। और एक इनकम वो जो वो जनरेट करता था वो अपनी फैमिली को देता था, तो इसका जो रिप्लेसमेंट है वो है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए कि एक बंदा जो है, जो डिपेंडेंट बंदा है, उसने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है, उसकी सैलरी 25,000 है और वो 20,000 रुपये जो है हर महीने उसके घर पे देता था, और किसी दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या उसके घर में क्या होगा? मतलब इनकम जो है वो हो जाएगी ज़ीरो, क्योंकि पूरी फैमिली जो है उसके ऊपर में डिपेंडेंट थी, तो इनकम जो है वो ज़ीरो हो गई। अब दूसरी ओर कि एक बंदे ने 50,00,000 का लाइफ इंश्योरेंस जो है वो लिया था, उसकी भी सैलरी 25,000 रुपये थी और वो 20,000 रुपये हर महीने देता था, उसकी मृत्यु के बाद में जो जीवन बीमा की जो कंपनी है उसने जो नॉमिनी थे उनको 50,00,000 रुपये दे दिए, वो 50,00,000 जो 50,00,000 का जो कॉर्पस है वो नॉमिनी ने फिक्स डिपॉजिट में डाला। फिक्स डिपॉजिट का जो आज का जो करंट रेट है वो है 6.5%। 6.5% फिक्स डिपॉजिट का जो करंट रेट है उसमें हर महीने वो नॉमिनी वो फैमिली को हर महीने 27,000 रुपये मिल रहा है, तो इसमें क्या बुरा हुआ, कौन सी बुरी बात है? तो दोनों में से आप कौन सा चूज़ करेंगे वो आपके ऊपर में है। अब हम देख लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार जो है वो है प्योर लाइफ इंश्योरेंस। ये प्योर लाइफ इंश्योरेंस में आते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जो लोन प्रोटेक्टर इंश्योरेंस भी होता है, और इसमें जो है प्रीमियम जो है आपका सिर्फ और सिर्फ प्योर लाइफ इंश्योरेंस में ही जाएगा, आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं होगा। और दूसरा एक है वो है होल लाइफ इंश्योरेंस। ये होल लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या, आपने जब से पॉलिसी ली तब से लेके 100 साल तक वो पॉलिसी जो है वो चलती रहेगी, तो इसमें मृत्यु जो है वो निश्चित है और नॉमिनी को पैसा मिलना जो है वो निश्चित है। ये होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान होते हैं। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी दो तरीके के होते हैं। एक मनी बैक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान होता है, मतलब आपने जो प्रीमियम भरा तो वो प्रीमियम का जो पैसा जो है आपको एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद में वो आपको वापस मिल जाएगा। और दूसरा जो है वो प्योर टर्म इंश्योरेंस की तरह ही होता है कि वो प्रीमियम का पैसा जो है आपको वापस नहीं मिलेगा। तो ये जो है प्योर लाइफ इंश्योरेंस होता है। उसके बाद में उसके अलावा जो है एंडाउमेंट प्लान्स होते हैं। एंडाउमेंट प्लान्स का मतलब क्या है कि आपने जो इंश्योरेंस लिया वो होता है और इसके साथ साथ में इन्वेस्टमेंट भी होता है। इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न जो है वो 3-4% गारंटेड रिटर्न मिलेगा, और आप मत भूलिए कि महंगाई जो है वो 12% है। रिटेल महंगाई की मैं बात कर रहा हूँ, होलसेल महंगाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। रिटेल महंगाई जो है वो 12% है और लाइफ इंश्योरेंस में आपको मिल रहा है 4%, तो आप हर साल आप 8% आप माइनस में जा रहे हो, तो ये एकदम बढ़िया विकल्प नहीं है एंडाउमेंट प्लान्स। एंडाउमेंट प्लान्स में सबसे पहले होता है मनी बैक प्लान्स। मनी बैक मतलब क्या, आपने जो प्रीमियम पे किया वो आपको वापस मिलेगा 3-4% रिटर्न के साथ में। तो क्या ये जो 3-4% है वो इनफ है क्या? नहीं। उसके बाद में है चाइल्ड लाइफ इंश्योरेंस प्लान जो है वो आपके चाइल्ड के ऊपर में एक लाइफ इंश्योरेंस जो है वो थोपा जाएगा। तो अगर डिपेंडेंट व्यक्ति उसने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया, उसने उसके चाइल्ड के ऊपर में लाइफ इंश्योरेंस लिया, अगर कोई डिपेंडेंट व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या वो फैमिली को फ़ायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो तो चाइल्ड के ऊपर में था,
तो ये भी लेना जो है वो बहुत ही बेकार है। उसके बाद में दूसरा जो है वो है रिटायरमेंट प्लान। देखिए रिटायरमेंट के तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, क्यों 3 से 4% के बीच में आपको जाना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6%, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। उससे ज़्यादा तो FD में मिल रहा है 6.5%, तो क्यों आपको रिटायरमेंट प्लान में लाइफ इंश्योरेंस के साथ में जाना। बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है, तो ये भी प्लान जो है वो आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरा और एक ऑप्शन है वो है यूलिप। यूलिप का मतलब क्या है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इसमें जो है 75% जो है आपका इंश्योरेंस के पोर्शन में जाएगा और 25% ही आपका इन्वेस्ट होगा इक्विटी में या डेप मार्केट में। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन नहीं है। तो आपको इंश्योरेंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको चूज करना है, वो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस का। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। या मैंने एक ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है, ये लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप ये आई बटन से भी आप वो वीडियो देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो है वो आपको कौन सी कंपनी का ले लेनी चाहिए। कंपनियां तो बहुत सारी है, LIC, HDFC, ICICI, कंपनियां तो बहुत सारी है। पर इसमें आपको क्या देखना है, इसमें भी आपको क्लेम रेशियो देखना है। जिसका क्लेम रेशियो अच्छा वो कंपनी एकदम बढ़िया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप गवर्नमेंट में ही जाइए कि प्राइवेट में ही जाइए, उसकी सर्विस अच्छी है, गवर्नमेंट की सर्विस अच्छी नहीं है, या गवर्नमेंट जो है वो रिलायबल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की पूरी जिम्मेदारी होती है। तो अगर आपकी कोई भी कंप्लेन होती है तो आप IRDA को भी आप संपर्क कर सकते हो लाइफ इंश्योरेंस की कंप्लेन के रिगार्डिंग। तो क्लेम रेशियो को देखने के बाद में अगर आपने मान लीजिए कि 3 कंपनी जो है वो शॉर्ट आउट किए हुए है, उसके बाद में आप जो भी चीपर ऑप्शन है वो आप देख सकते हो वो तीनों में से। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको लोन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में जानना है तो ये सबसे बढ़िया चैनल होगा। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें रखें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन से ही आती है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।